हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनकी हत्या क्यों की गई, इनकी हत्या किसने की है, क्योंकि लंबे समय से आतंकी संगठनों के निशाने पर कमलेश तिवारी थे और शुक्रवार को उनके लखनऊ स्थित घर में दिन दहाड़े गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उनके चेहरे पर गोली भी मारी। हत्यारे वारदात के साथ ही पैदल भी भाग गए। हत्यारे मिठाई के डिब्बे में चाकू और रिवॉल्वर लेकर पहुंचे थे। कुल मिलाकर इस हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्मा गई है कि आखिर कमलेश तिवारी की हत्या क्यों की गई और किसने की। उनकी पत्नी द्वारा बिजनौर के दो मौलानाओं के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज किया गया। यह वारदात तब हुई जब उनके आवास के बाहरी हिस्से में एक पुलिसकर्मी मौजूद था। भगवा कुर्ता पहने दो बदमाश मिठाई के डिब्बे में चाकू और पिस्टोल छिपाकर कमलेश के आवास में सुबह 11:47 पर घुसे। दोनों करीब 36 मिनट तक कमलेश के घर में रहे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस हत्याकांड का संबंध किससे है। यह बताया गया है कि गुजरात में पकड़े गए IS इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल के कनेक्शन हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या से निकल रहे हैं। वहां 25 अक्टूबर 2017 को पकड़े गए उबैद और कासिम के मामले में गुजरात ATS ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में उबैद मिर्जा के एक वीडियो का जिक्र किया गया है जिसमें वह लखनऊ के कमलेश तिवारी की हत्या करने की बात कह रहा है। कुल मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले को देखने में लगी है कि आखिर दिन दहाड़े कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हो गई और इसके पीछे कौन लोग। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।